दौड़ रही है ड्रैगन ट्रेन। वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। और दोस्तों आप देख रहे हैं सोल्जर राहुल ब्लॉग और मैं आपका दोस्त राहुल सिंह चौहान। और दोस्तों आज फिर आए हैं मेला रामनगरिया में। वैसे मेला रामनगरिया आज कुछ घूमने का मेरा प्लान नहीं था, सिर्फ आज प्लान था अपने दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ जितेंद्र साग के हैं जो इस समय कैमरा पकड़े हुए हैं, इनके साथ आज फरुखाबाद की फेमस मिठाई आलू खाने का कुछ मेरा प्रोग्राम था। तो मैंने सोचा क्यों ना अब आलू खाने आए हैं तो क्यों ना झूले वाले की तरह भी टूट पड़े। तो हम झूले वाले सेक्शन घुस गए भैया, हमने सोचा बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो हम घुस गए भैया और पूरा झूले का जो है बेहतरीन नज़ारा लिया है। तो उस नज़ारे के कुछ पल आपको भी दिखाना चाहते हैं। चैनल के सब्सक्राइब वाली बटन पर जोरदार हाथ मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका भाई आपका सदैव आभारी रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज झूले वाला ब्लॉग शुरू करते हैं, प्लस दुकानें आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेले की रौनक कुछ एकदम अलग हो गई है, अब लगभग संपूर्ण जो है कह सकते हैं कि मेला लग चुका है और अलग ही माहौल है भाई, अलग ही माहौल हो गया ना, बिल्कुल अलग हो गया। निशाना लगा के एकदम निशान से और काफी चमक धमक है। सामने खाला, बहुत एकदम खाली है, सब झूले खाली चल रहे हैं, पूरे झूले खाली चल रहे हैं। तो झूले जो है लगभग सभी खाली चल रहे हैं, देख सकते हैं पीछे आदमी कोई नहीं है क्योंकि ठंड के मारे थोड़ा भीड़ कम हुई है और प्लस प्राइस भैया नोट की कड़की सबके पास है। अरे घर के चार आदमी आएंगे 200 रुपये झूले में आएंगे अगर एक झूला झूलोगे तो इसलिए कुल मिला के झूले के प्राइस के कारण, और प्राइस तो भाई इतनी महंगाई है कि प्राइस इतने हो नहीं है क्योंकि डीजल पेट्रोल तो इतना महंगा है। तो स्वाभाविक है जब झूलों में इंजन चलेगा तो डीजल पेट्रोल फूकेगा और डीजल पेट्रोल फूकेगा तो जेब पे लोड पड़ेगा। तो भैया झूले फिर ऐसे ही खाली चलेंगे, जैसे ये देखो खाली पड़ा, बिल्कुल खाली पड़ा है बिल्कुल सामने, और ये तो बिल्कुल टाइट है, फुस हो गया, कद्दू निकल गया, इसका दीवाला हो गया मैं लग रहा, और टिकट वाला भी बेचारा यहाँ से भाग गया। और देखो इसमें भी कोई देख लो, सारी ट्रॉली जो है लगभग खाली है, एक आध ट्रॉली कोई बैठा है तो बैठा है, और उसके आगे वाला भी बिल्कुल खाली चल रहा है, नाव वाला भी खाली है, मौत का कुआ भी सन्नाटा पड़ा हुआ है, मिक्की माउस में 2-4 बच्चा उलर रहे हैं और कुछ नहीं। और देखो ये बच्चों वाला भी झूला यहाँ पे एकदम बंद पड़ा है, कोई नहीं है, खाली है। सामने ड्रैगन ट्रेन भी आप देख सकते हो, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, कोई नहीं, अकेले ही बेचारा ड्रैगन दौड़ रहा है दनादन दनादन। और बेचारा जो नया झूला लगा था उसका तो पूछो मत, ये भी बिल्कुल खाली पड़ा है, और टिकट वाला बिल्कुल यहाँ से फरार हो गया है। रात में फैला है मेले में सन्नाटा, बिल्कुल जादूगर 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 वही लड़की जो आंखों का रंग बदलती है, देख के और दिखा दिया जादूगर ने सुनने लगा है, लड़की रंग बदलती है आंखों का, लड़की सुने मेले के आगे पीछे साइड सर्कस के साइड, और यहाँ पर भी बिल्कुल सन्नाटा फैला है, बिल्कुल पता नहीं क्यों अभी, और टाइम भी कोई विशेष नहीं हुआ है, टाइम अभी देखो 7:21 हुआ है और इतने ही टाइम सन्नाटा है, देखो इसमें भी कोई नहीं, खाली चल रहा है, बिल्कुल खाली, इसकी भी बेचारे की हवा निकल गई, एकदम लीड एकदम कद्दू पंचर हो गया है, बेचारा नया आया था इस बार लेके और टाइट है फुस एकदम, बस देखो खाली पड़े हैं और ये भी खाली चल रहे हैं, इनमें भी कोई नहीं है, और इधर ट्रेनें भी देखो खाली खड़ी हैं, इनमें भी कोई नहीं है। मेले में सन्नाटा हर साल के जैसे मेला नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है, और
पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न खा लो, खाली पॉपकॉर्न आके खा लो। और इधर है भूत बंगला, इधर दौड़ रही है ड्रैगन ट्रेन, इसमें दो चार आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं भाई। इसमें इस रेलवे स्टेशन पे भीड़ है भाई, और कहीं नहीं है। और कुछ दो चार पांच आदमी इस साइड खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं, और ऊपर जो है कुछ बच्चे खड़े हैं। तो हम लोग जो है अभी हॉरर हाउस की तरफ से इधर आ गए हैं, और बिल्कुल जो है मेले में सन्नाटा है भाई। तो पिछली बार जो है रात में इस समय जो है काफी भीड़ रहा करती थी, पिछली बार बहुत भीड़ रहा करती थी इस समय रात में, काफी रहती थी। इस बार हमें लग रहा सर्दी की वजह से लोगों ने थोड़ा परहेज किया है, परहेज किया है प्लस महंगाई ने परहेज किया है। हाँ, यहाँ जूस का काउंटर एक लगा है, और ये झूला है यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है, इसमें जरूर दो चार साथी बैठे हैं। ये वाला तो बिल्कुल ठप पड़ा है देखो पूरा। और ये है छल्ले यहाँ पे, हर हर गंगे। भैया कितने का है? 120 का। तो ये कुछ छल्ले यहाँ पे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए अगर आप आते हो। झूले वाले सेक्शन है वहीं पे ये बिक रहे हैं। और आप यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ हम लोग। ये देखो मौत का कुआं भी सूखड़ा सा पड़ा, कोई नहीं है इसमें, बिल्कुल खाली पड़ा है। ऐसे ही बेचारा बजारा देख पतीला बेचारा लाइट का पैसा और घूम रहा है। तो भैया जब पूरा सुनसान पड़ा इलाका कुछ ऐसा था, कोई बहुत विशेष वीडियो नहीं है, रात के समय मेला कैसे चलता है। मिला के सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा था, पूरे मेले में सन्नाटा था। असल में जिसको शांति से घूमना है वो रात में आए, जिसको शांति से घूमना है 7:30 के बाद आ जाओ। सर्दी भी इतनी खास विशेष नहीं है, लेकिन सन्नाटा था तो था भाई। झूले झूले मार्केट में भले ही भीड़ों पर झूले जरूर सन्नाटे पड़े हैं। और अभी हम लोग खाएंगे इधर आलू, यहाँ पे फेमस आलू है फरुखाबाद के। और यहाँ पे बहुत सी दुकानें, ये नहीं समझो कि मैं जो दिखा रहा हूँ वही है, यहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं। तो अभी हम देखते हैं किस में हमारा माल लपा लप वाला है, वहीं जाएंगे हम। निकल रहे गर्मा गर्म, आओ देखें भैया यही बता रहे गर्म है। आओ बैठने की टेबल कुर्सी है, देसी टेबल कुर्सी। इन्हें बेटा पहले हाँ बे आलू निकल रहे, बे लिए भैया हम, देखो बे निकल रहे एकदम। बटर एकदम खोल लिया है, चटनी यहाँ पे आ गई है, नमक आ गया है, ये आ गए मिठाई। अभी खाते हैं और फिर प्रभु के गुण गाते हैं। गाएंगे गुण? जरूर गाएंगे, गुण गाएंगे प्रभु के यहीं पे खा के। अभी हम लोग आलू खा लिए मस्त हमने, और एक्चुअली में हम मेला देखने नहीं आए थे, खाने आए थे आज आलू। और क्योंकि मेला में कोई बहुत ज़्यादा, मेरा बता रहा हूँ अपना पर्सनल, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि इतने दिन मेला आलू का मैं जब इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन फिर भी मैंने कहा रात में दिखा देता हूँ किस तरीके से मेला जो है दिखाई देता है क्या है। तो इसलिए मेला में आ जाया था आलू खाने के लिए, और पूरा मेला मैंने आपको घुमा दिया है। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, नमस्कार दोस्तों।